ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। तो इस तरह से मतलब चलता रहा, फिर दादी जानकी जो है अमृतसर गए पूना से। तो दादी पहले अमृतसर में थी, दादी जानकी वहाँ से पूना का सेंटर खुला तो गई। तो दादी जानकी अमृतसर गई थी तो बाबा ने दादी को पत्र लिखा कि वो बच्ची को तो मैंने देखा ही नहीं, लेके आया उसको अपने साथ अमृतसर से ले आना। तो दादी जानकी और मैं दो ही पूरे सफ़र में, तो दादी भी बहुत प्यार से कुछ ना कुछ बातें, कुछ यज्ञ का इतिहास कुछ को न सुनाती रहती थी। तो हमसे और क्या बात करेंगे, हम एकदम छोटे हुए एकदम बड़ी दादी, तो इतिहास सुनाती थी, कुछ ना कुछ समाचार सुनाती थी। मेरे से भी अनुभव पूछा तो कैसा लगा तुमको, तो ऐसे करके अमृतसर से दिल्ली तक का रास्ता पूरा हुआ। कमला नगर का सेंटर था, कमला नगर में दो तीन दिन रहना हुआ दादी के साथ। फिर दादी मधुबन गई तो मैं दादी साथ मधुबन चली गई। जब मैं मधुबन में गई तो दादी ने कहा, बाबा मैंने काम पूरा किया, आपने मुझे कहा ला के दो, अभी आपके हवाले, बाबा के कमरे में छोड़ दिया मुझे। तो फिर बाबा ने रहने करने का लच्छू दादी से कह के प्रबंध किया। फिर वहाँ से दादी जानकी फ्री हो गई तो बाबा के कमरे में, फिर बाबा ने पूछा, फिर रहे, फिर बाबा से मिलते रहे दूसरे दिन तीसरे दिन। और तो मम्मा उस समय नहीं थी, बम्बई में थी। तो बाबा ने बुलाया, कहा बच्ची तुम क्या करेंगी यहाँ पर। हमने कहा बाबा आप बताइए क्या करना है। तो कहा कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ मेरी सेवा करनी है। क्या? मेरे स्नान का दो बाल्टी पानी ला के रखना, एक ठंडा एक गर्म, और मेरे रूम की साफ सफाई कर देनी, झाड़ू वगैरह, और विश्व की बादशाही तेरी। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा सौदा है, विश्व की बादशाही मिल जाएगी झाड़ू पोछा लगा के दो बाल्टी पानी दे के। तो मैं एक गर्म बाल्टी का पानी ला के देती थी जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है। तो जो बाबा का रूम है पांडव भवन में, उसके तीन हिस्से थे, बिना पार्टीशन तीन हिस्से थे। जहाँ भाइयों का सोफा है वहाँ जो है बाबा का स्नान की जगह थी, और जो दीवार है उसमें अलमारी थी, तो फल और टोली उसी अलमारी में रखी जाती थी। तब इतने तो होते ही नहीं थे कि डेढ़ डेढ़ टोकरा आ रहा, ज़्यादा टोलियाँ आ रही। जो सेंटरों से दादियाँ बहने जाती थी वही ले जाती थी, तो उसमें वो होता था। और जहाँ गद्दी है बाबा की शुरू से वहीं थी, और जो बाबा का पलंग है वो बाबा का पलंग था, बस इतना ही था। तो एक पानी ला के देते थे, एक ठंडा पानी। अब आप कहेंगे बाबा फिर लैट्रिन कहाँ जाते थे, तब कंबाइंड या ये सुविधा कुछ नहीं थी। जिसके अंदर त्रिलोकीनाथ है, जो जगत का पिता भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा है, तो गेट है उधर टाट की बनी थी लैट्रिन, चार बांस गाड़ के जूट की पल्लियाँ बांध दी थी और बांस में कुंडी लगा दी थी। और वहाँ पर जो है ना बाबा जाते थे सर्दी गर्मी बरसात। और ऐसे हम बहनों के लिए भी भाइयों के लिए भी जिधर भंडारा बना है उधर नहाने का बना था, तो वो जूट का ही बाथरूम था, केवल फर्श इतना सीमेंटेड कर दिया था जहाँ हम लोग नहाते थे। तो इस तरह से उस समय तो बेगरी पार्ट था,